सीतापुर गांव में मनोज नाम का एक लड़का रहता था। उसका कद बहुत छोटा और रंग बहुत काला था। सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाया करते थे। उसे कभी बौना तो कभी कालू कहते थे, लेकिन मनोज का दिल बहुत साफ था। उसे गांव वालों की बात का बुरा तो लगता था, लेकिन वो कभी भी किसी से कुछ नहीं कहता था और सबकी मदद करता था। मनोज के घर के आंगन में एक घना पीपल का पेड़ था। वो अपने दिल की सारी बातें उस पेड़ से किया करता था। एक दिन मनोज पेड़ से बातें कर रहा था। मेरे प्यारे दोस्त, देखो सब मुझे चिढ़ाते हैं, लेकिन मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता। आखिर मैं जैसा भी हूँ, इसमें मेरी क्या गलती? भगवान ने ही मुझे ऐसा बनाया है। तभी मनोज के घर हरिया और रामू आए और कहने लगे, अरे मनोज, तू यहाँ खड़े होकर पेड़ से बात कर रहा है और वहाँ गांव वालों पर बहुत भयानक आफत आने वाली है। आफत? कैसी आफत? साफ साफ बताओ, हुआ क्या? तुझे पता है, हमारे गांव के पास से गुजरने वाली नदी में अब थोड़ा ही पानी बचा है और वो सूखने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो हम सब बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। इस समस्या के समाधान के लिए गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए हैं। तो चलो फिर, हमें भी चौपाल पर जाना चाहिए। तीनों जब चौपाल पर गए तो सभी लोग पानी की समस्या पर विचार कर रहे थे। तभी सरपंच का बेटा बिरजू मनोज का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे रामू, ये पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी समस्या के लिए तुम इस बोने को लाए हो? ये बोना क्या कर लेगा? तभी तो इसे लाए हैं, कुछ नहीं कर पाएगा तो कम से कम हमारा मनोरंजन ही कर देगा। ये बोलकर सब लोग मनोज पर हंसने लगे। उसके बाद सब गंभीर होकर पानी की समस्या पर बात करने लगे। मनोज ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर डरते हुए बोला, सरपंच जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ बोलूं? तो कुछ मत बोल, तेरे शब्द भी तेरे रंग की तरह काले होंगे। रामू की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे, लेकिन सरपंच ने सबको चुप कराते हुए कहा, चुप हो जाओ सब, ये समस्या बहुत गंभीर है, हमें सबकी बात सुननी चाहिए। मनोज, तुम बेझिझक बोलो, क्या बोलना चाहते हो? डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरपंच जी, क्यों ना हम अपने गांव में कुआं खोद लें, क्योंकि नदी में पानी कम है लेकिन खत्म नहीं हुआ। जब तक नदी में पानी है तब तक हम कुआं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। अगर हमने ज्यादा देर की तो नदी का पानी खत्म हो जाएगा और हमें कुआं खोदने में भी समय लगेगा। मनोज की बात सभी गांव वालों को ठीक लगी। भीने कुआं खोदने का काम शुरू कर दिया और नदी में पानी सूखने से पहले ही गांव का कुआं तैयार हो गया। अब मनोज रोज कुएं से ठंडा ठंडा पानी निकालता और पीपल के पेड़ पर डाल देता। एक दिन मनोज ने पेड़ से कहा, मेरे प्यारे पेड़, मुझे सरपंच की बेटी कमला बहुत अच्छी लगती है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं उसने मेरे छोटे कद और काले रंग को लेकर मुझसे शादी के लिए मना कर दिया तो। लेकिन मैं ये बात अपने दिल में ही रखूँ, ये भी तो ठीक नहीं है। इसलिए कल मैं उससे अपने दिल की सारी बात बोल दूँगा। अगले दिन मनोज कमला के पास गया और उससे अपने दिल की सारी बात कह दी। कमला ने मनोज का मजाक उड़ाते हुए कहा, शादी? और वो भी तुमसे? कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? तेरे रंग से साफ तो मेरे बालों का रंग है, और अपना कद तो देख जरा। मेरे साथ चलता है तो ऐसा लगता है कि कोई बच्चा चल रहा है। भला तेरा और मेरा क्या मेल? कमला ये कहकर वहाँ से चली गई और मनोज उदास होकर घर आ गया। यूं तो मनोज को सारा गांव परेशान करता था, लेकिन मनोज ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। लेकिन कमला की कही एक एक बात उसके सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। वो काफी देर तक पेड़ के नीचे बैठकर रोता रहा, लेकिन जब आधी रात हुई तो अचानक तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। उसे किसी की आवाज आई, मनोज। मनोज ने घबरा कर इधर उधर देखते हुए बोला,
कौन है? कौन है? कौन है उधर? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त पीपल का पेड़। क्या पेड़? लेकिन तुम तो कभी बोलते नहीं हो, आज कैसे? क्या तुम भी बोल सकते हो? हाँ मनोज, मैं भी बोल सकता हूँ और तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी भी कर सकता हूँ। आज तुम बहुत उदास थे, मुझसे देखा नहीं गया, आज मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा उपहार दूंगा। उपहार? कैसा उपहार? तुम अपनी आंखें बंद करो। मनोज ने अपनी आंखें बंद कर ली और पेड़ ने कहा, चल जाए अब मेरा जादू, ना रहे बोना ना रहे कालू, हो जाए तेरी इच्छा पूरी, मिल जाए तुझे वो सुंदरी, गरीबी तुझसे भागे दूर, बन जाए तू सबसे अमीर। पेड़ के ऐसा कहते ही चारों तरफ पत्ते उड़ने लगे और देखते ही देखते मनोज एक बहुत ही सुंदर लड़के में बदल गया। उसके शरीर पर बहुत अच्छी पोशाक थी और उसका पुराना घर अब नए घर में बदल गया। उसके आसपास सोने चांदी से भरे मटके रखे थे। मनोज वो सब देखकर बहुत खुश हुआ और पेड़ से बोला, मेरे दोस्त तुमने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? नहीं मनोज, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि तुम हमेशा से मेरा बहुत ख्याल रखते आ रहे हो। मैं आज जो इतना हरा भरा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम सबकी मदद करते हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। उस दिन के बाद ऐसा ही हुआ, सभी लोग मनोज से प्यार करने लगे, अपने बर्ताव के लिए मनोज से माफी मांगने लगे और कमला ने भी मनोज से माफी मांगी और उससे शादी कर ली। आई किड्स टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।